तो हाय गाइस, ये भी लिटिल कस्टम चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, ये आरसीबी का फ्रंट ब्रेक मास्टर सिलेंडर, ये आरसीबी का है। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था आपको एरोक्स पर मॉडिफिकेशन के बाद पर, वो गोल्डन कलर का था और ये रेड कलर का है, ठीक है दोस्तों। और ये कंपनी का स्टॉक मास्टर सिलेंडर, ये चेंज होकर ये रेडियल मास्टर सिलेंडर जो आपने तरफ खींचता है, इसका पंचिंग जो रेडियल टाइप है, ये वाला सेटिंग होगा। और दोस्तों ये वही वाला ड्यूक है जिस पर 65 के मॉडिफिकेशन किया हुआ था, उस पर ये भी नया वाला मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो चलो कैसे सेटिंग होता है। इसके अलावा डायफ्राम है जो यार का रिबाउंडिंग काम करता है। अभी इसे कंटेनर कैप, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बार इसका जो ऑयल प्रेस होने के बाद पर ये वाला जो स्विच है, पुराना वाला पर ये जो पिन रहता था और नया वाला पर, इसको जैक कंटिन्यूटी भी आप कर सकते हो, लेकिन इसका जैक का दोनों पिन पर इसका कोई भी एक पर इसको इन कर देना, ठीक है। ये ब्रेक लाइट का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास मेल फीमेल ये फीमेल कपलर है, आपका मेल कपलर दो पिन की है, तो ये सेटिंग कर देना, हम कर देंगे। तो अगर नहीं है तो ये वाला कंटिन्यूटी मोड पर भी ये भी जैक पर आप सेटिंग करो और ब्रेक प्रेस करो, बैकलाइट प्रेस करेगा। देखो बैकलाइट पर जाओ, तो दोस्तों इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम आया है। तो जितने सारे आरसीबी का मास्टर सिलेंडर सेटिंग करने के बाद एक प्रॉब्लम अराइज होगा, वो क्या है दोस्तों, इसका जो थ्रेड है ओरिजिनल मिरर का, राइट साइड मिरर का जो थ्रेड है, ये थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। तो इसका थ्रेड से इसका सेटिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, एक दूसरे वाले मिरर आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो हमने क्या की, एक एनएस का जो थ्रेड का, देखो इसका जरा थ्रेड को देख के आपको पता चलेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये वाला जो थ्रेड है, इसको हमको काट कर इसके हिसाब से इसको वेल्डिंग कर देना चाहिए, ठीक है। ये छोटा सा मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक का जो मिरर है, इसी को अगर आपको सेटिंग करना है तो ऐसा छोटा वाला मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। किसी का शीशा टूटा हुआ मिरर आपको मिल सकता है, तो वो वाला आपको सेटिंग देना है, सिर्फ और सिर्फ इसको काट के इधर से वेल्डिंग कर देना है। सिर्फ आप 20-30 के या 50 के खर्चा होगा वेल्डिंग का चार्जेस। तो ऐसा ही प्रोसेस आप भी करो, ये छोटा सा प्रॉब्लम आपका आएगा, तो इसलिए मैंने ये वीडियो पर बनने का यही है मकसद, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम चेक करेंगे इसका ब्रेक कॉन्फिडेंस, ब्रेक एफिशिएंसी हम चेक करेंगे, ठीक है। बहुत बेहतर है दोस्तों, ब्रेक पेस करने से पता चलता है। जितने सारे आरसीबी यूजर से उसे को ये बात इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी है, तो दोस्तों आप ये सेटिंग कर लो और मत ब्रेक अचीव कर लो दोस्तों।